इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अगर हमारा जो म्यूजिक है आजकल बहुत ही शॉर्ट अपलोड हो रही है, अपलोड करते ही म्यूजिक कॉपीराइट आ जाता है और भी काफी कॉपीराइट आ जाते हैं, तो क्या अगर ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि हमें वो झंझट ही ना करनी पड़े कि हमें ऐसा म्यूजिक अपना लगा दें कि यूट्यूब खुद वहां पे प्रमोट कर दे उस म्यूजिक को और हमारा भी कोई नुकसान हो, हमें भी कॉपीराइट नहीं मिले, या कॉपीराइट जो ओनर है वो भी हमें कहे कि हमें कोई भी यहाँ पे आप हमें हमारे बारे में बता रहे हैं कोई जरूरत नहीं। तो आज की वीडियो में यही मैं बताना है कि आपको आप क्या यूज कर सकते हैं कि आपकी कॉपीराइट वाली दिक्कत ही हट जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली बात तो मैं जो जो यूज करते हैं, जो शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, बाकी जो लॉन्ग वीडियोज अपलोड करते हैं उनके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही मैटर करता है। हालांकि मेरे म्यूजिक जो आप यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यूज करता हूँ वो मैं यूट्यूब का करता है और यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से, जो कि मुझे हालांकि काफी क्रिएटर्स बताते हैं कि यहाँ से वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए वेबसाइट कॉपी है या, लेकिन जब यूट्यूब हमें खुद म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, वो खुद हमें यूट्यूब खुद ही हमारे डिस्क्रिप्शन में वो या बैकग्राउंड म्यूजिक का बता रहा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं म्यूजिक के बैकग्राउंड म्यूजिक के, अगर वहाँ पे यूट्यूब देख रहा होगा तो वहाँ खुद ही वहाँ से डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी है। लेकिन अगर एक और बात करूँ, अगर चैनल की बात करूँ, तो एनसीएस करके जो चैनल है उससे आप सभी, हालांकि एनसीएस ये कह रहा है कि आप हमारे बारे में नाम भी बताइए कोई बात नहीं, अगर आप बताते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वहां से आप यूज करते हैं। पहली बात तो मैं यही अप्रिशिएट आपको सभी को सजेस्ट करूंगा। दूसरी बात बात करें यूट्यूब की, जो ऑडियो लाइब्रेरी वहां से कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बात यह है कि यूट्यूब भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक या और साउंड इफेक्ट दे रहा है तो वहीं से डाउनलोड कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों बवाल पालना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, खाली में डीमोनेटाइज होगा या कोई बवाल कॉपीराइट का हो जाएगा, तो कैसे करना है वो इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाकी चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, हमें डीएम कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम। बाकी बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैसे आप अपना ये जो ऑडियो लाइब्रेरी से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम में इसे पहले आपको ओपन कर लेना है, बाकी बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की माध्यम से आपको बताना है कैसे आपको करना है। तो सभी को बताया कि ऑडियो लाइब्रेरी के हम कैसे कहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब का मैं बता दें एनसीएस का तो बता दिया कि वहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब लाइब्रेरी का यहाँ पे जो यूट्यूब है खुद ही सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेना है और डेस्कटॉप डैशबोर्ड जो अपना यूट्यूब का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है उसे भी, और चैनल जब आपका ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको जो लेफ्ट में 3 डॉट दिए हैं चैनल ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे फिर सारे ऑप्शन दिए हैं, सबसे नीचे आपका दिया गया है ऑडियो लाइब्रेरी, तो क्योंकि मैं यहीं से सब सारे चैनल अभी तक जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने चूज किया यहीं से करता हूँ। यहाँ भी ऑप्शन आपको 3 देखने को मिलेंगे, म्यूजिक साउंड इफेक्ट और स्टेट करके कुछ आ गया, साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे सब्सक्राइबर कहीं कहते हैं सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है और लिख के, तो वहाँ पे अपना जो भी साउंड इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक जब हमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है आइस एंड फायर जैसे 4 मिनट का हो गया, तो ऐसे सभी है काफ़ी, एक दो जैसे चलाते भी हैं, अगर मुझे 5 मिनट का ज़्यादा जैसे 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पे नीचे पेज भी दिया है कि यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, इतने पेज तक आपको इतने ऑडियोज देखने को मिलेंगे, और नीचे टर्म एंड कंडीशन भी दी हैं अबाउट दीज रिजल्ट, इनका रिजल्ट क्या हो सकता है इनके बारे में भी दिया है, बाकी यहाँ पे जो डाउनलोड नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर भी अगर ओके क्लिक करेंगे किसी को ऑन करेंगे चालू करेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा सेकंड में, और कि कब ऐड हुई हैं वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें नई पुरानी सारी जो यहाँ पे ऑडियोज़ हैं वो सारी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलेंगे, क्योंकि बात यह है कि ऑडियो म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी हो सब चलता है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है कहीं से क्यों उठाना है, क्यों सॉन्ग का किसी का उठाना है, डायरेक्टली आप यहाँ ऑडियो लाइब्रेरी में आइए, काफ़ी डाउनलोड कर दिए 10-20 वही आप वीडियोज़ अपलोड करते रहिए। मेरे पास ऑडियोज़ पड़ी है, मैं वही बैकग्राउंड म्यूजिक में अपलोड कर देता ताकि थोड़ी सी वीडियोज़ में बढ़िया इफेक्टिंग सी आ सकी जिससे आपको भी सुनने में अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन और अच्छी समझ आई। तो यहाँ से आसानी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको पता लग गया कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको यहाँ पे फेवरेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब डायरेक्टली या चैनल पे भी यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ भी ऑप्शन दिया है, बाकी कोई भी चालू करके आप पहले सुन के फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और यहीं से आपको डाउनलोड करना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काफ़ी पेड एप्लीकेशन भी इस वेबसाइट भी आती है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जो खासकर बैगनर्स ना यूज करें आप एनसीएस, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएस भी अच्छी मिल जाएंगी, या यहाँ से डाउनलोड कीजिए, अगर नहीं समझ आ रही है एनसीएस से काफ़ी वायरल जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यही आपके लिए ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऑडियो लाइब्रेरी से आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये भले
में एक सिंपल या आसान लगे, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर लिया और वीडियो पे मेहनत करो, बाद में कॉपीराइट आ जाए तो वहाँ पे आपका सब बेकार हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप पहले से ऐसी ऑडियो लाइब्रेरी क्रिएट कर लो, काफ़ी डाउनलोड कर सकते हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, हालांकि साउंड इफेक्ट भी वहाँ पे दिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना वो भी, बाकी ब्रांडिंग वहाँ होती है उसके लिए रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वहाँ भी आप डीएम कर सकते हैं, लेके आ जाऊँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, होप कि आपको वीडियो समझ आएगी, शेयर कर दीजिए अगर इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर सब बने हैं उन तक भी ये चीज़ पहुँच पाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे क्रिएट करना है। बाकी और बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वीडियोज़ है वो भी लेके आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कोई नई अपडेट, हैक, ट्रिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम तो आप डीएम कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।